सो गाइज, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा हेयर मास्क जो कि आपके गंजे सिर पे भी बाल उगाने की क्षमता रखता है, इतना ज़्यादा बेनिफिशियल, इतना ज़्यादा असरदार है ये आपके बालों के लिए कि अगर आपके बाल झड़ चुके हैं, लाइक आपकी किसी प्रॉब्लम की वजह से, आपको कोविड में अगर हेयर फॉल की समस्या हुई है, या टाइफाइड की वजह से, या PCOD है, या PCOS की प्रॉब्लम है, किसी भी रीज़न से अगर आपके बाल थे वो गिर चुके हैं, उसको हम फिर से इन दो इंग्रेडिएंट से उगा सकते हैं। पहला तो है आपका फेन्युग्रीक, दूसरा है हमारा रोजमेरी। फेन्युग्रीक मीन्स कि आपका मेथी। मेथी का प्रयोग हम इस वाले हेयर मास्क में करने वाले हैं आज की वीडियो में, और ये हमारा वही सीरीज है जो कि हमारा बाल्डनेस सीरीज था, जिसपे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग गंजे हो चुके हैं या जिनके बाल उड़ चुके हैं, वहां पर हम दोबारा से रीग्रोथ कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ हेयर मास्क, बहुत ही मैजिकल सा, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही इजी वे में आप इसको बनाएंगे। सिर्फ हम यहाँ पर दो इंग्रेडिएंट का यूज़ करने वाले हैं, जिसके रिजल्ट्स आपको विद इन 15 डेज में मिल जाएंगे देखने को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। वीडियो कंसल्टेशन आप कर सकते हैं जो कि 899 की है। इसमें हम आपको 4 रेमेडीज बताते हैं, जैसे कि आपका पैक हो गया, ऑयल हो गया, टोनर हो गया और शैम्पू हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा मेंबरशिप है। मेंबरशिप आपकी 1599 रुपीज़ की है, 1 रुपए कम 1600 रुपए की मेंबरशिप है। इसमें हम आपको 8 से 9 रेमेडीज बताते हैं, लाइक पूरी आपकी सीरीज, जैसे कि आपका ऑयल है, पैक है, टोनर है, टॉनिक है, सिरम है, लेप है, स्क्रब है, हाइड्रोसोल है, आपके बालों के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आप उसको बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम सिर्फ आपको उसमें बताते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम चैनल पर शेयर करते हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। दूसरी सर्विस हमारी ये है कि हमारे पास में कस्टमाइज प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो स्किन के हो और चाहे वो हेयर के हो, ठीक है। तो आप हमारे प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं, और नहीं तो आप कुछ ना करें, हमारे चैनल से देखकर चीज़ों को फॉलो करके आप अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं, स्किन को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी डिलीवर किए जाते हैं, तो आप आराम से उनको मंगा सकते हैं और अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो हेयर मास्क है इसको कैसे बनाना है, उसके बाद में मिलती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग हेयर पैक बनाएंगे, ठीक है। ये पाउडर बेसिकली मैं आप लोग को बता रही हूँ, बना करके आप रख सकते हैं या फिर एट ए टाइम, मैं तो एट ए टाइम बना करके यूज़ करती हूँ। और अगर मुझे कहीं ट्रैवल पे जाना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेयर प्रोडक्ट होते हैं ये, तो अगर आप ट्रैवल पे जाना है तो उसको आप ट्रैवल के लिए भी बनाकर सेव कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं, शैम्पू में डालकर लगा सकते हैं। भाई ट्रैवल पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, इतना टाइम थोड़ी है पैक लगाने का, तो आप शैम्पू में डाल करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया है 3 टेबल स्पून मेथी, यानी कि फेन्युग्रीक, ठीक है। इसको हम रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं रोस्ट करना है, हल्का फुल्का सा हमें इसको गर्म करना है, हीट देना है इसमें, जिससे कि अच्छे से ना पिस जाए। आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर आते हैं मार्केट में मेथी के, तो वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं, वो लोग घर में नहीं पीसते हैं। हम लोग अभी नॉर्मल यहाँ पर जो हम लोग महिलाएँ हैं, जो हम लेडीज़ हैं, तो हम लोग अपना जुगाड़ लगाते हैं ना घर में, तो बस वही जुगाड़ हम लोग लगाएंगे, इसको हम लोग मिक्सी में पीसेंगे। नेक्स्ट है हमारा रोजमेरी। रोजमेरी जो होता है ना, आपके हेयर के लिए जादू की तरह काम करता है, नए बाल उगाता है, बट शर्तें यहाँ पर ये हैं कि यूज़ करने का तरीका सबको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून हमारा रोजमेरी लीव्स है। हम साथ में दोनों ही चीज़ों को हल्का हल्का गर्म कर लेंगे, और दूसरी चीज़ मैं ना अभी अपने हेयर पर एक थेरेपी और कर रही हूँ, वो मैं आप लोग के साथ में जल्दी ही शेयर करूँगी, आइस क्यूब थेरेपी, जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। देख सकते हैं धुआं निकलने लगा था हल्का हल्का, बट हमारे कोई भी इंग्रेडिएंट जले नहीं है, है ना। लगातार हमको इनकी कंसिस्टेंसी में चलाते रहना, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए, है ना, कोई चीज़ जले नहीं। और आप देखिए रोजमेरी जो लीव्स है, जो रोजमेरी की डंडियाँ हैं, स्टिक्स हैं, वो अलग से खड़ी खड़ी सी हो गई हैं, हल्का सा हीट मिला है, तो मतलब एक्टिवेट हो गया है जो भी इसमें इनकी क्वालिटी है, जो भी इसमें गुडनेस है। सो गाइज, यहाँ पर इसको हम थोड़ा देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे, और जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसका पाउडर बनाएंगे और हेयर पैक कैसे बनाना है वो देखेंगे। सो गाइज, यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है, और अब हम इसको इसमें डाल करके पीस लेंगे, और देखिए आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ इसको तोड़ करके, ये देखिए, ठीक है। सो गाइज, देख सकते हैं आप, बिल्कुल फाइन पाउडर रेडी हो गया हमारा बन करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा ही हेयर पैक जो है हम यूज़ कर लेंगे, बिकॉज मेरे जो बालों की लेंथ है, बालों की थिकनेस है, ज़्यादा है,
तो ये मेरे पूरे जड़ों के लिए इनफ है। पूरे बालों के लिए कहेंगे तो ये पूरे बालों के लिए नहीं है, क्योंकि हमें फोकस करना है जड़ों पर। और हम लेंथ पर जो है कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, कोई भी क्यूटिकल ऑयल लगा सकते हैं, बट हमारा जो मेन फोकस होता है, जो बालों को उगाते हैं, भारी करते हैं, वो जो चीजें होती हैं वो जड़ों पर लगानी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये डाल दिया है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के लिए एलोवेरा का पल्प, आप चाहें तो घर का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो बाहर का भी यूज कर सकते हैं। हमें मतलब क्या करना है, रात भर के लिए इसको एलोवेरा के पल्प में भिगो के रखना है, ठीक है। अब ये जितना चाहता है उतना आपको देना है, मिक्स करना है, मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें रनिंग बनानी। बिकॉज क्या है, ये हमारा हेयर पैक है, हमने डाला है मेथी, और मेथी जो होता है ना वो पानी को सोखता है, अपने अंदर लेता है, जिससे कि आपकी ऑयली स्कैल्प की समस्या है उसको ख़त्म करता है, आपके स्कैल्प में कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है ना। तो ये चीज़ें हमें करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने इसमें पानी डाला या फिर एलोवेरा का पल्प डाला, ये धीरे धीरे सोख लिया और इसकी जो कंसिस्टेंसी है गाढ़ी हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 से 1.5 कप के करीब एलोवेरा का पल्प लेंगे आप, और उसको आपको इसमें भिगो के रखना है। एलोवेरा का पल्प कैसे बनाएंगे, आपको लेना है फ्रेश एलोवेरा मार्केट का, या फिर आप घर का भी ले सकते हैं। एलोवेरा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा मार्केट में, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके पास घर का है तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में लीव्स को काट कर लीजिए, जेल को निकाल लीजिए, निकालने के बाद ब्लेंडर में डाल दीजिए गर्म पानी के साथ में, हल्का सा गुनगुना पानी हो, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा कि आपका जो मिक्सर उसमें स्टीम बनेगा और वो निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, गर्म पानी में नहीं, गुनगुने पानी में उसको ब्लेंडर में डालकर पीस लेना है। पीसने के बाद आपको कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी दिखेगी, ठीक है। और नहीं तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल ले सकते हैं, और उसमें आप क्या करेंगे, पतला सा आप उसको निकाल लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको मिक्स कर लीजिए, तो आपको यही कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा सारा ही मैंने इसमें एलोवेरा जेल में इसको मिक्स कर दिया है, और मिक्स करके इसको हम ओवरनाइट रख देंगे। यहाँ पर ये ओवरनाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो चुका है, देख लो आप, है ना। तो इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए, और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कुछ एसेंशियल ऑयल। नेक्स्ट डे हमें यहाँ पर ऐड करने हैं एसेंशियल ऑयल, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ यलंग एसेंशियल ऑयल। थिकनेस को प्रमोट करता है, बालों में जो लेंथ की समस्या उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, मतलब बालों की लेंथ को भी बूस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 10 ड्रॉप्स, काफी स्ट्रांग है तो इसको हमें 10 ड्रॉप्स ही डालना है, ठीक है। हम ऐड कर रहे हैं पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, बहुत ही बढ़िया होता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, स्कैल्प को आपके क्लीन करता है, पोर्स ओपन करता है, रिग्रोथ में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, स्पेशली समर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी डालेंगे 10 ड्रॉप्स। अब सारी चीजों को अच्छे से फिर से हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है, और इसको हम एक बार ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। सो गाइज देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, ये धीरे 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 ना और गाढ़ा हो जाएगा। जब आप इसको लगाना शुरू करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले अपने बालों में कंघी करनी है, टोनर लगाना है, ऑयल लगे हुए बालों पर ही हमें ये हेयर मास्क यूज करना है, ठीक है। तो कंघी कर लीजिए, टोनर लगा लीजिए, उसके बाद इसको 1 घंटे लगाकर आप रख सकते हैं, और उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पैक को आप लोग बनाइए, यूज कीजिए, लगता है कि पानी की नीड है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल पानी भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको बनाइए, यूज कीजिए, मुझे बताइएगा कैसा लगा। सो गाइज देखा आपने, हमारा जो हेयर मास्क है बनकर के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में बना करके पाउडर आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए, और जब भी आपको यूज करना है आप क्या करेंगे, 2 से 3 चम्मच दही ले लीजिए और उसमें इस पाउडर को मिक्स करके आप लगा सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने डायरेक्ट जो चीज़ें आपने इसमें डाली हैं, जैसे मेथी है, हमारा रोजमेरी है, इसका पाउडर बना लिया और डायरेक्ट आप इसको दही में या फ्लैक्सीड के जेल में रात में भिगो के रख दीजिए और सुबह में इसको आप लगा लीजिए। इस तरीके से आप इस हेयर मास्क को हफ्ते में एक बार करेंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहें, आपके पास में टाइम नहीं है, आप वर्किंग है, आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, तो इसको आप हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नहीं बना सकते हैं, आपके पास में टाइम नहीं है, तो आप इसको बना करके रख भी सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, आपको सारी ही चीज़ें
चीजें बनाकर फ्रिज में रखनी है सिर्फ तेल को छोड़ करके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, बाय।